अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक युवक ने जब अपनी ही पत्नी के साथ दोस्त को दुष्कर्म करते देखा तो उसे बेइज्जती महसूस हुई। पहले दोस्त से झगड़ा हुआ, फिर पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। खुद को बेइज्जत महसूस कर रहे पति ने देर रात फांसी लगाकर जान दी। 4 महीने की जांच के बाद पुलिस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। घटना जुलाई 2022 महाराजपुरा के चक्रायपुरा गांव की है। पति की मौत के करीब 1.5 महीने बाद पत्नी ने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर अपने बयान दिए थे। इसके बाद यह खुलासा हो सका है, पर इस सब के बीच एक निर्दोष की जान चली गई। पुलिस ने मृतक के दोस्त को युवक की मौत का दोषी मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है। शहर के महाराजपुरा स्थित चक्रायपुरा निवासी 25 वर्षीय रेशम के पति ने 3-4 जुलाई 2022 की दरमियानी रात फांसी लगाकर जान दे दी थी। घटना के समय महिला घर पर नहीं थी। रात को ही पति से नाराज होकर अपने 2 बेटों को लेकर मायके चली गई थी। अगले दिन 4 जुलाई को सुबह लौट कर आई तो इस घटना का पता लगा। पुलिस ने मृतक के शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू की। इस घटना के करीब 1 से 1.5 महीने बाद मृतक की पत्नी ने इस मामले को दुष्कर्म के मामले से जोड़ते हुए पति के दोस्त मुकीम खान पुत्र घसीट खान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया था। जांच में हुआ खुलासा, दुष्कर्म करते देखने से आहत का मृतक मर्ग की जांच करने में कई लोगों के बयान और जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि 3 जुलाई को युवक बाथरूम के लिए गया था, तभी छत के रास्ते युवक का दोस्त मुकीम उसके घर में घुस आया। उसने धमका कर युवक की पत्नी से दुष्कर्म किया। इसी समय महिला का पति आ गया। उसने दोस्त के साथ पत्नी को बिस्तर पर देखा तो वह टूट गया। दोस्त से झगड़ा हुआ, इसके बाद पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। रात भर युवक परेशान रहा और देर रात उसने बदनामी के चलते अपनी जान देने का फैसला लिया और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अगले दिन सुबह जब उसकी पत्नी घर वापस आई तो पता चला कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। इससे वह सदमे में आ गई। सदमे की वजह से उसके पिता उसे अपने साथ ले गए थे। 1 माह बाद जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो वह थाने पहुंची और मामले की शिकायत की थी। CSP महाराजपुरा रवि भदौरिया ने बताया कि एक युवक के खुदकुशी के मामले में उसके दोस्त पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पत्नी के साथ उसके ही दोस्त ने गलत काम किया था। जब उसने यह देखा तो काफी आहत हुआ और सुसाइड किया था। आरोपी दोस्त पर मामला दर्ज कर लिया है। थाना महाराजपुरा में एक मर्ग जांच पर से धारा 306 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। ये कुछ 2 माह पुरानी घटना है, जिसमें जो मृतक था उसकी पत्नी ने इस आशय के आरोप लगाए थे कि आरोपियों की प्रताड़ना की वजह से तंग आके उसके पति शाहरुख खान ने सुसाइड कर लिया है। इसमें जांच उपरांत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट्स आने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।